नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बचे हुए सब्जी की भरी हुई स्वादिष्ट पराठा। आटे में डालेंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी अजवाइन, आटा को गूंद लेंगे। तो मैंने चने की सब्जी बसे हुए है, उसी के साथ ये तेरू की सब्जी भी बसे है। तो सबसे पहले मैं इसको मिक्सर जार में पीस लूँगी, इसी में तेरू की सब्जी को भी डालूंगी। अब उसको पीस लूँगी, सब्जी को मैंने बारीक करके पीस लिया। अब एक बर्तन में निकालूंगी, अब इसमें डालूंगी कटी हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची, 1/2 चम्मच नमक, और अच्छे से मिला लेंगे। मैं रोटी जैसा बेल लूंगी, मैंने रोटी को बेल लिया है। अब इसमें जो मसाला बनाया था पिसे हुए दाल की, इसको मिला लूंगी। तो मैंने मसाला को चारों तरफ फैला दिया। अब चाकू से एक साइड से उसकी काट लगाऊंगी, फिर उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ट्रायंगल शेप में बन गई है, अब उसको बेल लूंगी। अब इस तरीके से धीरे धीरे बेलन से इसको बेल लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी और अच्छे से पका लूंगी। इसी तरीके से बाकी पराठा को भी बना लूंगी। तो हमारी बचे हुए दाल और सब्जी की स्वादिष्ट पराठा बनके रेडी है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।